नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और मैं हूं कासिर खान। पहले से ही तेल की मार झेल रहे देश में तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। अमरीकी प्रतिबंधों के बाद भारत नवंबर से ईरान से तेल लेना बंद कर सकता है। सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत चीन और अमेरिका के बाद तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, लेकिन भारत के द्वारा ईरान से तेल न खरीदने पर ईरान को बड़ा झटका लग सकता है। ईरान से तेल खरीदने वाले तीन प्रमुख देश चीन, तुर्की और भारत हैं, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत को तेल देना जारी रखेगा। सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत चीन और अमेरिका के बाद तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, लेकिन भारत के द्वारा ईरान से तेल न खरीदने पर ईरान को बड़ा झटका लग सकता है। ईरान से तेल खरीदने वाले तीन प्रमुख देश चीन, तुर्की और भारत हैं, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत को तेल देना जारी रखेगा। अमेरिका के दबाव में अगर भारत ईरान से तेल लेना बंद करता है तो इससे भारत में तेल की कीमतों पर भारी प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही तेल की मार झेल रहे देश में तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। भारत को अपनी तेल पर निर्भरता को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर होना पड़ेगा। राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर ईरान के अलावा सऊदी अरब में ही भारत को तेल निर्यात करने वाला देश है, लेकिन सऊदी अरब से तेल लेने पर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सऊदी अरब से तेल लाने में ढुलाई का भार तो पड़ेगा ही, साथ ही सऊदी अरब की कीमतें भी ईरान के मुकाबले ज्यादा है। दूसरी तरफ एशिया में भारत की प्रतिद्वंदी चीन को इससे काफी फायदा होगा। वहीं अपने पुराने हितेशी ईरान का विरोध भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विफलता होगी। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए नवभारत टुडे।